राम राम जी। और क्या आवाज़ आ रही है? आ भी रही है कि वैसे ही वक्त कट रहा है? वीडियो में दिखाऊंगा अपना नया वाला घर जो मैंने लिया है। तो वैसे तो मैंने YouTube पे लाइव दिखा भी दिया था और Instagram पे स्टोरी भी डाल दी थी। अब डिटेल वीडियो बना के दिखाऊंगा कि कितने का लिया, रेंट वेंट सारी, जिससे जैसे कोई जो जापान में आने वाला है या फिर जो यहाँ पर रह रहा है उसको तो बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। और इसे कोई मतलब नहीं है ना जापान वापान से, तो वैसे स्वाद के लिए देख लो। हम तो चले भाई ऑफिस। जो असली जो जापान में फील आती है ना, जो घर होते हैं ऐसे ऐसे ऐसे, वो यही है, भर के एकदम। और खेत भी दबा दो। हाँ तो नया दिन, नई शुरुआत, नई जगह, नए हालात। कल जो बीत गया उसको झाड़ दो, बस तुम लट गाड़ दो आज। हो बढ़िया शायरी बन गई है। तो वो खेती हो रही हर जगह ही, फटाफट घर का राशन लेके भगो घर। हाँ तो बाहर से दिखाता हूँ शुरू से एकदम। मेरा जो घर है ये फोर्थ फ्लोर पे है, इंडिया के हिसाब से तीसरी मंजिल, यहाँ के हिसाब से चौथी मंजिल, क्योंकि यहाँ पर ग्राउंड फ्लोर को भी फर्स्ट फ्लोर ही बोला जाता है, तो ग्राउंड फ्लोर जापान में होता ही नहीं है। ये रहा। तो जिस दिन शिफ्ट करना था, उस दिन शिफ्ट करने से पहले मैंने पहले ही फोन करके यहाँ पर बोल दिया था, जैसे गैस का कनेक्शन होता है, बिजली का कनेक्शन होता है, पानी का कनेक्शन होता है, उनको पहले बोल दो कि रो चौधरी उस दिन से शिफ्ट हो रहा हूँ, अपना तैयारी करके रख देना मेरी पूरी। तो फिर मेरे दोस्त भी आ गए थे साथ में, क्योंकि चौथे फ्लोर पर मेरा घर, मेरे पे अकेले पे तो चढ़ती नहीं है फ्रीजर वॉशिंग मशीन चौथे फ्लोर तक, तो उन्होंने सारा सामान वान सेट करा दिया था एकदम। अरे हाँ, एक ऐड भी कर रही है साथ के साथ, वो कोई quizjito.com करके वो है वेबसाइट, उसके बारे में बताऊंगा अभी। जो लाइट है अभी सिर्फ किचन में लाइट लगी हुई है, बाथरूम में लाइट लगी हुई है, ये कमरों में नहीं है लाइट, कमरे में भी अंधेरा हो पड़ा, सामान सारा फैला हुआ है। ये इसमें भी अंधेरा है, तो ये लाइट यहाँ लगती है इसमें। ये आता है लट्टू सा, ये ऊपर उसके सॉकेट में लग जाता है, फिर इसमें बल्ब घुस जाता है, बल्ब डायरेक्ट में लगता है इनमें, ऊपर ऐसे वो रहते हैं सिस्टम। तो बड़ी जो सीलिंग वाली लाइट होती है थोड़ी महंगी होती है, वो रिमोट से चलती है, पर इतने भी ना बल रहे हम रिमोट ही, हम तो हाथ से बंद कर लेंगे यार। तो अभी जो भी घूमूंगा फिरूंगा, कपड़े वपड़े बदलूंगा, चौड़े में सब कुछ दिखेगा जब तक पर्दे नहीं लगते। ये रहा सॉकेट, ये रहा सॉकेट। अरे हाथ नहीं जा रहा। अब लगेगा लट्टू। ओह लग गया, परफेक्ट, होगी रोशनी। कपड़े बदल लिए, पर वो है कि पर्दे पुर्दे तो है नहीं, कपड़े बदलूंगा तो सबको मस्त दूर दर्शन दिखेंगे। और ये यार यार इसमें तो वो नहीं है, प्लग नहीं है, इसको बंद करने का प्लग है सिर्फ का मेन बाहर, तो ये यहाँ तो लगेगी रिमोट वाली, इसको बार बार वहाँ से बंद करना पड़ेगा, कहीं कोई वो ही नहीं है इसका स्विच, ये यहाँ से मेन स्विच ऐसे, इनमें से एक है उस लाइट का, वो गिराऊंगा तब ये बंद होगी, रात को बार बार यहाँ आके बंद करना पड़ेगा और घर आके इसको चालू करना पड़ेगा रिमोट वाली। चल दूसरे कमरे में रिमोट वाली लगा लूंगा, ये एक अब तो खरीद ले, ऐसे काम चल जाएगा। अरे हाँ वैसे नहीं होता, टैं टैं टैं, आ जाओ वास्तव, कौन सा खाता हो, क्योंकि सास भी कोई बहू थी। ये
गैस का कनेक्शन है वो करके तो चले गए, वो लगा के चला गया गैस वो सारी सेट। तो गैस का चूल्हा भी लगेगा जो होता है वो मेरे पास है नहीं, वो जो साका वाले घर में था वो इनबिल्ट था, तो मुझे वो नया खरीदना पड़ेगा। तो वो जब टाइम नहीं है अभी तो यार, ऑफिस ऑफिस से जब छुट्टी मिलेगी तब आराम से जाऊंगा, तब तक मैं दूसरा वाला चूल्हा चला रहा हूँ, इसमें भी सही काम चल जाता, कोई दिक्कत नहीं है। और ये फिर ली मैंने, ये है वॉशिंग मशीन, और ये गर्म पानी का पॉट, और ये बत्ती जला दो, ये दबा दो तो 42 डिग्री का पानी आता है, फिर इधर करो तो गर्म आता है, इधर करो तो ठंडा आता है, इधर करो तो गर्म आता है, इधर करो तो ठंडा आता है, मस्त। हेलो बाटा वाटा सब है, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें भी गर्म पानी ठंडा एकदम रिलैक्स। ये तो जमैन में हर जगह ही होता है, चाहे गांव हो चाहे शहर हो, गर्म ठंडा पानी हर जगह आता है, इसे बोलते हैं एसेंशियल आइटम्स। ओह हेलो, कोई है क्या? कोई नहीं है, मैं ही तो हूँ। और कुछ सामान मैंने अमेजोन से ऑर्डर भी कर दिया तो वो भी आ जाएगा 3-4 दिन में, तब और ज़्यादा भरा भरा पूरा सेट हो जाएगा, तब तक तो। ये दूसरा कमरा, ये भी सामान सारा ऐसे फैला ही पड़ा है, लाइव में दिखाया था मैंने, ये बाहर का व्यू है, वो कन्वीनियंस स्टोर है 7-Eleven जस्ट सामने ही, मुंह पे ही एकदम, अंधेरा है रात को, कोई दिख नहीं रहा अभी, कोई फ़ायदा भी नहीं है। टॉयलेट, मूत्र विसर्जन की जगह है ये, पानी यहाँ से आता है, फिर फ्लश करने के बाद इसी पानी से अपना हाथ हाथ धो लो, पानी वेस्ट नहीं होता। ड्रॉर तो पूरी बड़ी रहती है, अपना आदमी पूरा अंदर बढ़ जाए, वैसे ना तो जैसे दरवाजा खोलो भूत निकल के आ जाता है, या फिर कोई घर में ऐसे बिना पूछे आ जाए तो उसको मार के इसकी लाश छुपा दे ड्रॉर में ही। तो ये गेम है, प्ले स्टोर वगैरह पे तो है नहीं, सिर्फ वेबसाइट से डाउनलोड होगी, 1 करोड़ रुपए बता रहे हैं इसमें जीत सकते हैं, और शुरू में लगती है 20 रुपए की टिकट, अगर मेरे कोड से डाउनलोड करोगे तो 20 रुपए की जो टिकट है ना वो 2 शुरू में फ्री मिल जाएंगी। तो इसमें क्या रहता है, 9 क्वेश्चन रहते हैं, 5-6 लोग एक साथ खेलते हैं, जो पहले जवाब दे देगा वो जीत जाएगा। शाम को रहती है 8 से 9 बजे के बीच, तब उसमें पैसे मिलते हैं, और वैसे पूरे दिन कितनी बार भी खेलते हो तब पैसे वैसे नहीं मिलेंगे, तब तो फ्री में प्रैक्टिस होगी, देख लो ट्राई करके, अगर बात बन जाती तो क्या दिक्कत है, डिस्क्रिप्शन में सब कुछ डाल रखा है, आराम से चेक कर लेना। वैसे पैसे वैसे तो उन्होंने कुछ खास दिए नहीं, पर वो बोल रहे थे जैसे वो रेफरल कोड नहीं होता, जैसे उन्होंने बोला अपना तुम्हारा जो रेफरल कोड हम तुम्हें बना के देंगे, उससे जितने लोग रजिस्टर करेंगे ना जितने ज्यादा उस हिसाब से फिर तुम्हारे पैसे बनेंगे, उनके चल देखते कितने लोग रजिस्टर करेंगे, तो कह रहे कोड कौन सा लोगे, बल्कि यार RRJ007 कहते जेम्स बॉन्ड, अब देखते कितने लोग रजिस्टर करेंगे मेरे कोड से, ना तो अपना चल रहा है काम। तो ये सुबह का व्यू, अब यहाँ ना मुझे नहाने धोने की दिक्कत है और ना खाना बनाने की दिक्कत है, अपना जो मन में वो बनाओ, बढ़िया खाओ। जो लोग मेरी वीडियो पहले तो देख रहे होंगे तो पता होगा कि मैं नारा शिफ्ट हो गया हूँ, और जो मेरी कंपनी ने मेरे को रहने के लिए जगह दी थी ना वहाँ पर, तो भैया नहाने की इतनी प्रॉब्लम और खाने की तो इतनी प्रॉब्लम थी, वहाँ बना तो मैं सब कुछ सकता नहीं था, तो मैं दिन रात जो बाहर कंपनी का जो पैक्ड फूड होता है वही खा रहा था, इतना पैक फूड खाया मैंने, इतना पैक फूड खाया दिन रात, मुझे तो लग रहा था भैया मेरी ना लैटरिन भी पैक ही करती दिखे पन्नी में। इस घर का मेरा रेंट है 31,000 येन, जो कि होते हैं 22,000 इंडियन रुपए के आसपास, और बिजली पानी अलग से जैसे आएगा वो वैसे भर दिया जाएगा। 96,000 रुपए का तो मेरा वो डिपॉजिट लगा है, इसमें 1 महीने का किराया भी था, और कितने होते हैं 60,000 रुपए के आसपास लगा लो। ये वाला डिपॉजिट सबसे सस्ता था, ये बाद में मिलता नहीं है। इसमें क्या है जैसे, इसमें क्या है जैसे घुसने से पहले साफ सफाई का जो खर्चा है, और जब मैं यहाँ से निकलूंगा तो उसकी साफ सफाई करेंगे वो, तो सारे पैसे हमसे ही लेते हैं खूब, उसके 20-22 हज़ार रुपए लगते हैं। और चाबी का खर्चा, जब मैंने यहाँ पर शिफ्ट हूँ उससे पहले जो चाबी थी उसका लॉक बदला होगा, या फिर जब मैं यहाँ से जाऊंगा उसका लॉक बदलेंगे, और जैसे इसमें आग पाग लग जाए फूक जाए पूरा पूरा घर, बिल्डिंग फूकेगी पूरी, भूकंप आ जाए टूट टाट जाए तो उसका पूरा इंश्योरेंस होता है, इसके पैसे जुड़ते जुड़ते इतना तो बनी जाते हैं शुरू में। और तो प्रॉपर्टी डीलर जो होते हैं ना उनको बोलो पकड़ के कि भाई मेरा बजट इतना है मुझे इतने पैसे में चाहिए घर, और वो उनका काम होता है वो ढूंढ के देंगे आपको, बस अगर एक नहीं ढूंढता तो आप दूसरे पे जा सकते हो, तीसरे चौथे बतेरे लाइन से लग रहे हैं हर जगह ऑफिस में जाके आपको, तो बस उनको बोल देना कि भैया इतने पैसे में घर ढूंढ के दे, हमें कुछ नहीं पता, वो सब कर देते हैं, चाहे कोई फॉरनर हो चाहे कोई जापानी हो, सब सारा हो काम हो जाता है, बस आपको थोड़ी भागदौड़ करनी पड़ती है। ओह ठंड हो रही है, खेस ओढ़ लो। एनीवेज जिन्होंने भी चैनल सब्सक्राइब कर रखा है यार सच में उनको बहुत 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 थैंक यू, और जिन्होंने नहीं कर रखा भाई आराम तक कर लेना, हमें कोई आफत ना आ रही है। अच्छा जी फिर मिलेंगे, राम राम।